एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्मृति। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक मिंत्रा हॉल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेरे परचेजेस फ्रॉम मिंत्रा, जिनके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगी, और जो कि मेरी कुछ रीसेंट परचेजेस हैं, कुछ मैंने पहले भी परचेज किए हुए हैं, बट मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को आज रिव्यू करूंगी आपके लिए। और मिंत्रा की सेल स्टार्ट हो चुकी है, एंड ऑफ सीजन सेल, तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा आपको शॉप करने का। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, सेल स्टार्ट हो चुकी है मिंत्रा पे, और इतनी गर्मी में बाहर जाके शॉपिंग करने से बेटर है घर बैठ के आराम से शॉपिंग कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली कैटेगरी से। पहली कैटेगरी में मैं आपको अपने कुछ टॉप्स दिखाऊंगी। तो ये है एक क्रॉप टॉप जो कि मैंने मिंत्रा से परचेज किया है। इसकी फ्रंट में स्लीव्स पे ये फ्रिल डिटेल है और बैक में ये नॉट दी है, टाई अप डिटेलिंग है। तो ये टॉप है बैरीलश से, और ये काफी क्यूट काइंड ऑफ टॉप है जो कि एकदम आपके लुक को एनहेंस कर देगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा टॉप है जिसको हम किसी भी पार्टी आउटफिट में स्टाइल कर सकते हैं। टॉप जो है ये एक ट्यूनिक टॉप है, ये एक एथनिक प्रिंट का टॉप है, और जिस पे की फ्रंट में ये टाई अप डिटेलिंग है जिसमें फ्रिंजेस भी दिए हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा कॉटन मटेरियल टॉप है, कॉटन बेस्ड है, और ये समर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। कलर बहुत ही ट्रेंडी है, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप परचेज कर सकते हैं मिंत्रा से, समर सीजन के लिए बेस्ट है ये। तो टॉप्स के बाद अब हम बात करते हैं कुछ पार्टी आउटफिट्स की। तो इसी में मैंने एक ये डेनिम का ब्लेजर परचेज किया है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज्यादा एकदम प्यारा सा पीस है, जिसकी स्लीव्स पे ये बलून स्लीव्स दी हुई हैं, और इस पे हैंड पेंट से कुछ डिजाइन पेंटेड है, आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा ब्लेजर है। डेनिम में लोगों ने डेनिम जैकेट्स पहनी होंगी, बट ये ब्लेजर जो है वो थोड़ा सा कूल और ट्रेंडी लुक में है, तो ये आप जरूर परचेस कर सकते हैं। ये भी मेरी हाई रिकमेंडेशन पे है, तो इसे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्टी आउटफिट के लिए मैं आपको ये ड्रेस दिखाने वाली हूँ। ये भी मैंने रिसेंट परचेज की है, बट ये मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी ये। लेकिन ये जो आउटफिट है, ये जो ड्रेस है, ये थोड़ी लूज फिट में है। ये एक ड्रेस है, ए लाइन ड्रेस है, बटन अप है फ्रंट में, आप देख सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है, ये इस पे फ्लावर प्रिंट है, एकदम समर अप्रोप्रिएट है, कॉटन मटेरियल में है। तो जिनको थोड़ा लूज फिट पहनना पसंद है उसको, वो लोग ये परचेस कर सकते हैं। ये फॉरएवर 21 ब्रांड से है। ड्रेस को मैंने रिसेंटली स्टाइल भी किया था अपने वेकेशन आउटफिट वाले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेकआउट करिएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ कुर्तीज और कुर्ते सेट्स की। तो पहली कुर्ती मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, ये है मेरी एक हाउस ऑफ पटौदी से, जो कि ऑरेंज और गोल्ड प्रिंट में है, ये आप देख सकते हैं। ये एक कट स्लीव्स कुर्ती है, बट इसमें स्लीव्स दी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो आप अटैच करवा सकते हैं। और ये एक हाई स्लिट कुर्ती है जो कि काफी क्यूट और प्यारी सी, क्यूट तो नहीं कहेंगे, ये काफी सेक्सी लुक देगी अगर आप इसको स्टाइल करेंगे इस तरीके से, इस वे में, ताकि ये आपके आउटफिट में एक एथनिक के साथ साथ एक सेक्सी लुक भी क्रिएट करेगी। तो अगर आपको ये कुर्ती पसंद आती है, और उसका फैब्रिक भी अच्छा है, कॉटन तो नहीं है ये फैब्रिक, आई थिंक रेयन बेस्ड है, बट ये काफी अच्छी है। और इस पे जो वर्क हो रहा है, ये इस पे गोल्डन प्रिंट्स हो रही है, आई थिंक ये कुछ प्रिंटिंग टाइप की है, एंड गोल्डन फॉयल प्रिंट काइंड ऑफ वर्क है इस पे। इस कुर्ती को भी मैंने अपने रिसेंटली एक वीडियो में स्टाइल किया था, जिसमें मैंने जीन्स के साथ कुछ कुर्ती आउटफिट स्टाइल किए थे ऑफिस और कॉलेज लुक के लिए, वो वीडियो आप चेकआउट जरूर करिएगा। उसमें मैंने इस कुर्ती को एक जीन्स के साथ स्टाइल किया है थोड़े फॉर्मल फेस्टिव लुक के लिए, तो वो जरूर देखिए। नेक्स्ट हम एक कुर्ता सेट की बात करेंगे। ये जो है कुर्ता सेट है, बट इसकी बॉटम जो है एक स्कर्ट है। ये एक बांधनी प्रिंट का सेट है, और जो कि है ब्रांड गुलमोहर जयपुर से। ये पूरे एक बांधनी प्रिंट है नेवी ब्लू कलर का, जिसपे की गोटा पत्ती से डिटेलिंग है। इसके फ्रंट में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, और साइड में गोटा पत्ती से डिटेलिंग दी हुई है। स्लीव्स पे भी वही डिटेलिंग है गोटा पत्ती की, और ये काफी कंफर्टेबल समर अप्रोप्रिएट है, कॉटन फैब्रिक में है, और गुलमोहर जयपुर ब्रांड के सारे कपड़े वैसे काफी अच्छे होते हैं, और मैंने पहले भी परचेज किए हुए हैं। तो ये एक काफी अच्छा रिकमेंडेशन है मेरी साइड से आप लोगों के लिए। और इसकी बॉटम में स्कर्ट है, और इसकी स्कर्ट ऊपर से पूरी प्लेन है, नीचे जो है इसमें भी डिटेलिंग दी हुई है गोटा पत्ती की और फैब्रिक बांधनी प्रिंट की। तो ये भी एक काफी अच्छा और एक यूनिक सा आउटफिट है। अगर आप रेगुलर कुर्ता प्लाजो सेट पहन के बोर हो चुके हैं, तो ये एक कलेक्शन में, अपने वार्डरोब कलेक्शन में ऐड करने के लिए काफी अच्छा पीस है, तो ये आप ले सकते हैं।
आज के वीडियो में मैंने कुछ आउटफिट्स ऑलरेडी स्टाइल कर चुके हैं, वो उनकी क्लिप्स मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी, और जो आउटफिट्स मैंने स्टाइल नहीं किए हैं इस वीडियो में उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी उनकी स्टाइलिंग के लिए, तो वो आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो हम बात करते हैं अपने लास्ट कुर्ता सेट की। लास्ट कुर्ता सेट जो है ये मेरा एक रीसेंट परचेज है जिसको कि मैंने अभी तक बिल्कुल ट्राई नहीं किया हुआ है, लेकिन ये मुझे काफी पसंद आया था इसलिए मैंने परचेज किया था इसको। ये बहुत ही क्यूट कलर में है, पिंक। पिंक मेरा फेवरेट शेड है ऐसे तो, मेरे पास काफी आउटफिट्स पिंक में है। तो इसके फ्रंट पे सिर्फ नेक पे वर्क दे रखा है, ये सिल्वर थ्रेड से डिटेलिंग है आप देख सकते हैं, और बाकी पूरा कुर्ता प्लेन है इसका, इसमें कुछ और कोई वर्क नहीं है, बस स्लीव्स पे इसकी साइड में भी उसी थ्रेड से डिटेलिंग है और नेक पे डिटेलिंग है। इसकी बॉटम भी पूरी प्लेन है आप देख सकते हैं, इसमें भी प्लाजो नहीं है, बट ये आई थिंक लूज प्लाजो नहीं है लेकिन हाफ फिटेड प्लाजो काइंड ऑफ है, पेंट भी तो नहीं है बट प्लाजो है ये। तो इस सूट की जो एक यूनिकनेस है वो इसके दुपट्टे में है। इसका दुपट्टा जो है बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा है, और इसके साइड में ये किरण लेस लगी हुई है, ये आजकल काफी ट्रेंड में है। आई थिंक जब से सब्यसाची ने अपने आउटफिट्स में ये लेस ऐड करी है तब से ये काफी ट्रेंड में हो चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने भी बेसिकली कुर्ता सेट इसी डिटेलिंग की वजह से लिया था क्योंकि मुझे ये अपने वार्डरोब कलेक्शन में ऐड करना था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट कैटेगरी में हम बात करते हैं फुटवेयर की। फर्स्ट फुटवेयर है मेरे ये मोव कलर की हील्स जो कि काफी क्यूट है और ये मोची ब्रांड से है, तो ये काफी प्यारी सी हील्स हैं और ये मोव कलर में है। ब्लॉक हील्स काफी अच्छी है, कुशनिंग डिटेलिंग है इसमें और ये काफी कंफर्टेबल भी है, तो अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो आप ये इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नेक्स्ट फुटवेयर है ये एक फ्लैट्स है ग्रीन कलर की जो कि है ब्रांड मार्क क्लोरी से, आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक यूनिक शेड में है और काफी कंफर्टेबल फ्लैट्स हैं। इसके फ्रंट पे जो केज और बर्ड्स की डिटेलिंग हो रखी है, एक पॉम्पॉम भी लगा हुआ है, तो ये काफी क्यूट एथनिक फ्लैट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल है, यूनिक शेड है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, ये मेरी रिकमेंडेशन पे है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको रिकमेंड किए हैं ये सारी काफी बेस्ट परचेजेस है मेरी मिंत्रा से, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपनी शॉपिंग करने के लिए मिंत्रा से, और एंड ऑफ सीजन सेल आ चुका है सो प्लीज गो एंड गेट शॉप फ्रॉम मिंत्रा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए।